हाँ जी बाबा जी, सारी संगत को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज पिंड नंगल श्री गुरु रविदास मंदिर विखे जो सतगुरु रविदास महाराज जी का 646वां प्रकाश पुरब आ रहा है, उस पुरब दियाँ खुशियां मुख रखद गुरद्वारा सिंघा शहीदा डेरा संत बाबा जरनैल सिंह नंगल वे नज़दीक आलोवाल फलौर तो पांच प्यारे की अगवाई में सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के पावन स्वरूप इस स्थान वास्ते अज इत्थे लिआंदे गए, जो इस इन्हां स्थानां ते विराजणगे उन्हां दी सेवा लैके सारा जत्था इत्थे पहुँचा। तो जिथे वड्डी गिणती विच संगतां ने गुरु पातशाह दे आउण दी खुशी विच फुल्लां दी वरखा करके नंगल गेट तो लैके गुरद्वारा साहिब तक महाराज नूं लिआउंदे विच वड्डियां सेवावां कीतियां, ते महाराज अपने आसन ते विराजे आ ते अरदास करदे आ कि महाराज इस धरती नूं भाग लाउण, समुचे इलाके नूं प्यार बख्शन। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 646वें जो प्रकाश पुरब आ रहे हैं उन्होंने सारिया संगत रल मिल के सेवा करके सतगुरों दी खुशियां दे पात्र बन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप गुरद्वारा सिंघा शहीदा डेरा बाबा जरनैल सिंह जी तो महाराज के प्रकाश श्री गुरु रविदास भवन पिंड नंगल के किए गए ने। सारी संगत ने जिया किया, वेलकम किया, सारी संगत ने फुलों की बरखा करके महाराज के प्रकाश गुरु घर विराजमान किए ने। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 646वें प्रकाश पुरब जो 4 ते 5 फरवरी मनाए जा रहे हैं, वो प्रकाश पुरब के सारी संगत को बेनती है कि वध तो वध जो गुरु घर आके सेवा करनी चाहिए है, तो गुरु घर जुड़ना चाहिए है। जय गुरुदेव, धन्यवाद।